मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के मशहूर है। यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक और संग्रहालय है। पर्यटकों को ये शहर खूब लुभाता है। वहीं पर सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। ये पत्थर की संरचना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप जाने वाले इच्छुक लोगों के लिए कुछ अहम जानकारी इस वीडियो में आप जान सकते हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये स्तूप बेतवा नदी के किनारे पर है। भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीम बेटका भी है। विदिशा जिले से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिले में है। यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे स्तूप उपलब्ध है, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरने के लिए कई सारे तोरण भी बने हुए हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी है। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्रिमित्र सुंग ने और बड़ा और विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना सुंग सम्राट पुष्यमित्र सुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप को ध्वस्त किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्रिमित्र ने उसे पूर्ण निर्माण करवाया होगा। सुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। जमीन स्तर पर बना दूसरा पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूपों की इमारतें सुंग काल में निर्मित प्रतीत होती है, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण सुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण था। तोरण एवं परिक्रमा 70 ईस्वी पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते थे। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद वसिथी पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप हालांकि पाषाण निर्मित है, किंतु कष्ट की शैली में गड़े हुए तोरण वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई है। इस प्रकार देखने वाले लोगों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ आती है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान किए गए हैं।
जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय उपलब्ध नहीं था। दानकर्ता चाहे स्त्री या फिर पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा, जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पद चिन्ह, कहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इन सब के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया है। सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद है, जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए हैं। यह विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला था। मंदिर प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार मंडप और चार स्तंभ है। आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिनसे मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल है और अलंकृत है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और अपेक्षित हो गया और इस खंडित अवस्था तक पहुंच गया। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले एक मशहूर इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। अव्यवसायी पुरातत्ववेत्ताओं और खजानों के शिकारियों ने इन स्थल को खूब ध्वस्त किया, जब तक कि सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरंभ हुआ। 1912 से 1919 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यह सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ था। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टोले पर ज्ञात है, जिनमें 3 स्तूप और कई मंदिर भी है। यह स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था। अगर बात करें इस जगह पर पहुंचने की, तो यहां पहुंचना बहुत आसान है। इस क्षेत्र में जाने वाला सबसे निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में है। हवाई अड्डे के बाहर में कई सारे टैक्सियां उपलब्ध होते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए भोपाल और विदिशा रेलवे स्टेशन पास में है। विदिशा से सांची केवल 15 मिनट की दूरी पर है। आपको बता दें कि स्तूप में प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। आप या तो अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर परिसर के बाहर टिकट काउंटर पर खरीद सकते हैं। भारतीयों के लिए ये टिकट 40 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशी यात्रियों के लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति है। 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। तो दोस्तों, आज आपने सांची स्तूप के बारे में अच्छे से जाना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।